अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी मेहनत करके फिर पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं कि यार हमारी जिंदगी में तो कोई कामयाबी लिखी ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपको एक ग्राफ शो कर रहा हूँ, वो ग्राफ जरा अगर आप देखें तो देखें, अगर इस ग्राफ को हम समझना चाहें तो एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारी प्रोग्रेस है। अब आप देखें ग्राफ सीधा ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। जो ये शो कर रहा है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो हम प्रोग्रेस करते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं, फिर कोई डाउनफॉल आता है, हम नीचे आ जाते हैं, फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर हम नीचे जाते हैं। लेकिन अगर हम 5-6 साल के टेनओवर में देखें तो हमें नजर आएगा कि हमने यहां से प्रोग्रेस अगर शुरू की तो हम यहां तक पहुंच गए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखना चाहेंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मैं कोशिश करता हूँ, आगे जाता हूँ, फिर पीछे गिर जाता हूँ। अब इसकी मिसालें समझ लेते हैं। एंथनी रॉबिन्स बहुत मशहूर एक राइटर है और ऑथर हैं, कोच हैं, सही ना? तो वो ये कहते हैं कि आपकी जिंदगी में 1 साल मैटर इतना नहीं करता, यानी 1 साल में इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन 10 साल में बहुत डिफरेंस आ जाता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसे मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, द कंपाउंड इफेक्ट। वो किताब यही सिखाती है कि जरा जरा सी किए हुए स्टेप्स लॉन्ग टर्म में या तो बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं, बहुत नेगेटिव। तो आप कभी परेशान मत हो। और इसकी बहुत बचपन में आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि वो एक चूंटी को गालिबन किसी कुएं से या किसी जगह से निकलना था, तो वो रोजाना अगर 5 फीट ऊपर जाती थी और 4 फीट गिर जाती थी तो उसने हार नहीं मानी। और वो रोजाना 5 फीट ऊपर जाती थी, 4 फीट गिरती थी, लेकिन रोजाना 1 फुट की प्रोग्रेस जरूर होती थी। तो किसी एक दिन वो उस खड्डे से या कुएं से बाहर निकल ही आई। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, लेकिन आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, आज बैठ के सोचें जरा, आज से 5 साल पहले आप इनकम में किस लेवल पे थे, आपका इंटेलेक्ट लेवल किस लेवल का था, आपकी तालीम किस लेवल की थी और आज आप कहाँ पर हैं। तो आपको नजर आएगा कि 5-6-7-10 सालों में डिफरेंस जरूर आता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म गेम है, वो ऐसा नहीं है जो शॉर्टकट्स लोग बता भी रहे होते हैं। तो मैंने आज तक किसी पे अमल करके कामयाबी नहीं हासिल की किसी शॉर्टकट पे। बाकी आप देखें, इंशाल्लाह मेरा जाती मशवरा ये कि इस तरीके से चलेंगे तो बहुत फायदा होगा।